विनायक जी की कहानी। छोटो सो बाल को चिमटी में चावल हथेरे में दूध, पूरे गांव में फिर कोई माई खीर कर दो, कोई माई खीर कर दो, चिमटी में चावल हथेरे दूध की कौन खीर करे। वहाँ पूरे गांव में फिर गांव का बाहर आयो, बारह एक बुढ़िया बैठी, बारह बैठी घर का बारह, बिना जार के बुढ़िया माँ बाप चिमटी में चावल हथेरे दूध की खीर बना दे। बाकी ला भाई बाल का बना दूँ, लेकिन बुढ़िया माँ थार घर माने जो कोसो बड्डो टोकनू है वो चढ़ाई जे, जो कि ठीक है वो तो गणेश जी तुम्हारा रमता राम रम गया, बुढ़िया आपके घर में जा सू बड्डो टोपियो जो ले जा मान चिमठिम चावल हथेली में दूध हो जो घाल भी मैं चूल्हा में चढ़ा बारात बैठ गई। वहाँ बारह बहू गेड़ी पानी ना पानी ले पाछी आई, सासू जी धुखनो कह रो धुका हुआ है, मैं तो सो क्यों कर गई फिर कह रो धुखनो धुकाया है कि भाई एक छोटो सी बाल को आयो चिमठिम चावल हथेली में दूध जो मैं तो खीर चढ़ा रही हूँ, लेकिन था तो बुढ़ा सारा ही फूटो है कोई चिमठिम चावल हथेरे दूध री कोई खीर बना के वो पूरे गांव में ही फिर रहे हो कि भाई बहू मत तो चढ़ा रही तू जार उतार दे। वह बहू आके जार देखा तो खीर तो खदबत खदबत सी जाए उफन उफन बारे जावे, मैं कार फूटे जब इन आपकी आग लाग की भूख आपकी भर कटोरो क्यों आड़ो लबे जीम ली जीम रहा पछा बारह आएगी पाछी यार के सस जी वो तो उफन उफन जाए कि वाह भाई ठीक बात है। थोड़ी देर न गणेश जी महाराज आया आया के गणेश लर बिना के चाल थार भोग लगा जिम ले के बुढ़िया माई थार बहू है जी किवाड़ो ले बैठ मारो नाम लेर भोग लगाया जी टेम मार तो भोग लाग गयो, पहली नहीं जिमती तो थार 21 पीढ़ी तक को नहीं निवड़ तो नीचे थार 7 पीढ़ी तक को निवड़ा, खूब खाओ बांटो और नगर नूर जिमाओ ये विनायक जी महाराज बीर अंदन भंडार भरिया बीच सकला का भरी घटी है तो पूरी करी पूरी है तो परवान चढ़ाई सब मिल बोलो विनायक जी महाराज की।